हम बात करेंगे जुलाई सेकंड ब्रेक 2019 में जितनी भी वैकेंसी भरी जा रही है, और इस पे हम ज़्यादा जो आर्मी की भर्ती हो रही है, आर्मी की जो रैलीज हो रही है, उसके बारे में हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। और साथ में जो हिमाचल, पंजाब, हरियाणा या जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स की जो वैकेंसी निकली है, उस पर हम आपको अपडेट्स देंगे। लास्ट तक देखिएगा, पूरी इन्फॉर्मेशन हम आपको दे देंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं पटियाला में जो इंडियन आर्मी की भर्ती होगी, उसके लिए आप अप्लाई कब से कब तक कर सकते हैं। 20 जून 2019 को ये नोटिफिकेशन जारी हुई थी स्टार्टिंग डेट, और 3 अगस्त 2019 इसकी जो लास्ट डेट है, ठीक, अप्लाई करने की जॉब लोकेशन आपकी भर्ती पटियाला में होगी इंडियन आर्मी की। पूरी जानकारी आपकी स्क्रीन पर आ रही, वीडियो को रोक सकते हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। शोल्डर 10th पास, प्लस टू पास आप हो तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्लैरिकल की और बहुत सी वैकेंसी जिस प्रकार से इंडियन आर्मी की भर्ती होती है, उसी प्रकार से ये भर्ती होगी, तो पटियाला आर्मी की ये भर्ती हो रही है। तो अगर आप एलिजिबल है, आपकी एज अगर 21 तक या 23 साल तक आप हो, तो जीडी वाले 21 और 23 साल तक क्लैरिकल में आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो वैकेंसी वो है आपकी हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की। बहुत सी पोस्ट इसमें भरी जा रही है, जैसे इंस्पेक्टर की पोस्ट भरी जा रही है, इलेक्शन कानून को की एक्सटेंशन ऑफिसर की वैकेंसी भरी जा रही है। और अगर आपको लगता है कि आप एलिजिबल है, तो इसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। hppsc.hp.nic.in ये वेबसाइट होगी इसकी। इंस्पेक्टर के लिए आपकी एनी ग्रेजुएट, इलेक्शन कानून को एनी ग्रेजुएट, एक्सटेंशन ऑफिसर एनी ग्रेजुएट, जॉब लोकेशन आपकी एनी वेयर इन हिमाचल प्रदेश, हालांकि इसमें डिस्ट्रिक्ट बताए हुए आपको। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इज 54, डेट एडेड 2 जुलाई 2019 टू लास्ट डे टू अप्लाई 22 जुलाई 2019, तो 22 जुलाई 2019 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। HPPSC की वेबसाइट पर जाएगा, रजिस्ट्रेशन करिएगा अगर आप पहले से रजिस्ट्रेशन आपने नहीं की हुई है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप लॉगिन करोगे तो पूरी जो A to Z जानकारी, जो भी वैकेंसी भरी जा रही है, वो आपको लिस्ट उसकी आ जाएगी। उसी के बाद HPPSC में ही और वैकेंसी भरी जा रही है, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर की वैकेंसी ये भरी जा रही है। जॉब लोकेशन आपकी रहेगी चंबा, हिमाचल प्रदेश। लास्ट डेट इसकी 16 जुलाई 2019। HPPSC जून 2019 के नोटिफिकेशन है। असिस्टेंट प्रोफेसर एनी पोस्ट ग्रेजुएट, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एनी पोस्ट ग्रेजुएट, और प्रोफेसर की वैकेंसी के लिए एनी ग्रेजुएट। बाकी आप वेबसाइट पर जाइएगा, एडवर्टाइजमेंट को आप डाउनलोड करके आप इसमें पूरी जानकारी ले सकते हैं। HPPSC हैज़ अनाउंस्ड रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर। एलिजिबल कैंडिडेट कैन सबमिट देयर एप्लीकेशन बिफोर 16 जुलाई 2019। अगर आपको लगता है कि आप एलिजिबल है इन वैकेंसी के लिए, तो आप अप्लाई इसके लिए जरूर करें। नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो भी HPPSC के द्वारा ही जारी की गई है नोटिफिकेशन। और अगर आपको लगता है कि आप इसके लिए एलिजिबल है, DSP की पोस्ट है, और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए आपकी बी टेक और बी ई, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी और बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग आपने की हुई है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन आपकी सिमिलर रहेगी, नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है। लास्ट डेट इसकी 15 जुलाई 2019 को। तो HPPSC हैज़ अनाउंस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑफ द पोस्ट ऑफ डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। एलिजिबल कैंडिडेट सबमिट देयर एप्लीकेशन बिफोर 15 जुलाई 2019। तो अगर आपको लगता है कि आप एलिजिबल है, तो 15 जुलाई 2019 से पहले इस पर जाएगा वेबसाइट पर, hppsc.nic.in ये वेबसाइट ऑफिशियल, इस पर जाएगा आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो वैकेंसी वो आपकी सिविल जज वैकेंसी इन HPPSC रिक्रूटमेंट 2019। HPPSC हैज अनाउंस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सिविल जज। एलिजिबल कैंडिडेट सबमिट देयर एप्लीकेशन फॉर्म बिफोर 10 जुलाई 2019। तो अभी आपके पास 4 दिन का टाइम है, अगर आपको लगता है कि आप एलिजिबल है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। LLB आपकी इसमें क्वालिफिकेशन मांगी हुई है, जॉब लोकेशन आपकी सिमिलर रहेगी। 10 जुलाई 2019 इसकी लास्ट डेट है। और सबसे बड़ी बात, जो आपने अगर LLB की हुई है और एडवोकेट का आप एक्सपीरियंस है आपके पास कम से कम 3 साल का, तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। 5 पद इसमें भरे जाएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी, टोटल वैकेंसी आपकी स्क्रीन पर आ रही है। और अभी जो कैबिनेट की मीटिंग हुई, इसमें भी बहुत सी पोस्टें जजों की भरने की घोषणा की गई है। 113 जो पद है वो फॉरेस्ट गार्ड के भरे जाएंगे, तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। नेक्स्ट जो वैकेंसी आपकी पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन PSPCL रिक्रूटमेंट 2019 की, ये वैकेंसी भरी जाएंगी। असिस्टेंट लाइनमैन की ये वैकेंसी है, अगर आपको लगता है तो आप इसके लिए अप्लाई जरूर कर सकते हैं।
PSPCL has announced recruitment notification for the post of assistant lineman. Eligible candidate can submit their application before 25 अगस्त 2019. लाइनमैन की वैकेंसी भरी जाएंगी. लाइनमैन ITI आपने की हुई है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, जॉब लोकेशन आपकी पंजाब पटियाला बताई हुई, इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी स्क्रीन पर आ रही है. 3,535 पद भरे जाएंगे. 25 अगस्त 2019 इसकी लास्ट डेट है. अगर आपको लगता है कि आप एलिजिबल हैं तो पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन PSPCL रिक्रूटमेंट की वेबसाइट पर जाएगा, आपको पूरी जानकारी इसकी मिल जाएगी. तो पावर कॉरपोरेशन पंजाब की इस वेबसाइट पर आप ओपन करेगा. अगर आपको लिंक चाहिए होगा तो आप पर कमेंट करेगा और जो भी आपका सवाल है आप कमेंट करेगा, पूरी जानकारी हम आपको इसी में दे देंगे. उसके बाद जो नोटिफिकेशन है वो है बॉर्डर सिक्योरिटी फॉर BSF रिक्रूटमेंट असिस्टेंट कमांडेंट वैकेंसी. BSF हैज अनाउंस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कमांडेंट. एलिजिबल कैंडिडेट कैन सबमिट देयर एप्लीकेशन बिफोर 26 अगस्त 2019. अब जो नेम ऑफ द पोस्ट है वो है आपकी असिस्टेंट कमांडेंट. इसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए, एनी ग्रेजुएट. जॉब लोकेशन आपकी दिल्ली, एनी वेयर इन इंडिया. टोटल वैकेंसी 135 ये पद भरे जाएंगे इसमें और लास्ट डेट है इसकी 26 अगस्त 2019. अगर आप एनी ग्रेजुएट है, जैसे आपने ग्रेजुएशन की हुई है, तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. और बाकी पूरी जानकारी के लिए आप वेबसाइट पर जाकर BSF की वेबसाइट पर जाकर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आप चेक कर सकते हैं. नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो आपकी BSF से है, असिस्टेंट कमांडेंट लॉजिस्टिक ऑफिसर. मोर वैकेंसी इन BSF की वैकेंसी भरी जाएंगे. असिस्टेंट कमांडेंट की वैकेंसी है, इसके लिए BTech, BE, MBA, PGDM यानी ग्रेजुएट, PG डिप्लोमा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं. लॉजिस्टिक ऑफिसर की एनी ग्रेजुएट एनी पोस्ट ग्रेजुएट आप हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं. अपॉइंटमेंट ऑपरेटर सीनियर स्टोरेज प्रोविजनिंग ऑफिसर की वैकेंसी भरी जाएंगे. एनी ग्रेजुएट एनी पोस्ट ग्रेजुएट. जॉब लोकेशन एनी वेयर इन इंडिया, ये आपकी दिल्ली, गुवाहाटी, रांची, रायपुर, अगरतला या श्रीनगर बताई हुई. इसमें नंबर ऑफ टोटल वैकेंसी 58, 58 पद इसमें भरे जाएंगे और 21/12/2019 इसकी लास्ट डेट बताई हुई है. तो 31/12/2019 लास्ट डेट, अगर आपको लगता है आप अप्लाई अभी से कर सकते हैं. नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो आपकी CSK हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी. CSK में चौधरी सरवन कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय रिक्रूटमेंट 2019 के नोटिफिकेशन है. फील्ड असिस्टेंट की पद भरे जाएंगी, प्रोजेक्ट असिस्टेंट की, सीनियर रिसर्च फेलो की वैकेंसी इसमें भरी जाएंगी. अब जो फील्ड असिस्टेंट, इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए आप 10th पास, प्रोजेक्ट असिस्टेंट एनी ग्रेजुएट, BSc आपने की आप अप्लाई कर सकते हैं. सीनियर रिसर्च फेलो की MBSc और MSc आपने की आप अप्लाई कर सकते हैं. जॉब लोकेशन आपकी कांगड़ा रहेगी. नंबर ऑफ टोटल वैकेंसी इज 10, ये 10 पोस्टें भरी जाएंगी इसमें और इसकी जो लास्ट डेट है बहुत नज़दीक. अब 4 दिन का आपके पास, 3 दिन का टाइम आपके पास अभी बचा हुआ है 10 जुलाई 2019 के लिए. तब तक अगर आपको लगता है तो आप अप्लाई इस पर कर सकते हैं. तो चौधरी सरवन कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय की वेबसाइट आप ओपन करेगा, पूरी जानकारी आपको उसमें मिल जाएगी. और अगर आपको किसी भी पोस्ट का लिंक चाहिए तो आप कमेंट करें, कोशिश करेंगे आपको हर पोस्ट का लिंक दे. उसके बाद हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ये वैकेंसी भरी जा रही है. सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट वैकेंसी इन हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट 2019 की वैकेंसी इसमें भरी जा रही है. जॉब लोकेशन जो आपकी रहेगी इसमें सोलन, ये वैकेंसी भरी जाएंगी. 10 लास्ट तारीख है इसकी 10 जुलाई 2019 और सब्जेक्ट आपकी स्क्रीन पर आ रही है, पोस्ट है. और MSc, BSc, BTech, BE, ME, MTech, MBA, PGDM एनी पोस्ट ग्रेजुएट आप हो तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. HP फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाएगा, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी. उसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो आपके नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी नेफ्ट रिक्रूटमेंट 2019 की वैकेंसी भरी जाएंगी. कैंपस डायरेक्टर की पोस्ट है, पोस्ट नेम आपकी स्क्रीन पर आ रहा है. एनी ग्रेजुएट आप होने चाहिए इसके लिए, एनी पोस्ट ग्रेजुएट. जॉब लोकेशन आपकी भुवनेश्वर, हैदराबाद, सिकंदराबाद, भोपाल, श्रीनगर, कांगड़ा, किन्नौर, ये आपको बताई हुई है. नंबर ऑफ टोटल वैकेंसी इज 8, लास्ट डेट टू अप्लाई 22 जुलाई 2019. तो 22 जुलाई 2019 से पहले आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. निफ्ट की वेबसाइट आप ओपन करेगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी रिक्रूटमेंट आप सर्च करेगा या आप ओपन करेगा. अगर आपको लिंक चाहिए कमेंट करेगा, हम आपको लिंक दे देंगे. उसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी वो आपकी हिमाचल प्रदेश की इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट सिरमौर IIM रिक्रूटमेंट 2019. अगर आप जहाँ से भी आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं. अकाउंटेंट असिस्टेंट इंजीनियर मोर वैकेंसी IIM सिरमौर.
ये वैकेंसी भरी जाएंगी। अब जो नेम ऑफ द पोस्ट अकाउंटेंट, इसके लिए एम कॉम सी ए आई सी डब्ल्यू ए ये आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी है और बी टेक भी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग अगर आपने की आप अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट एनालिस्ट के पोस्टें भरी जाएंगे। एम सी एम एस सी आपने की आप अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन आपकी सिरमौर है कि नंबर ऑफ वैकेंसी 8 है। 22 जुलाई लास्ट डेट है इसकी। अगर आपको लगता है आप अप्लाई कर सकते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की वेबसाइट आप ओपन करेगा, सिरमौर की वेबसाइट आप ओपन करके पूरी जानकारी आपको उसमें मिल जाएगी। नेक्स्ट जो वैकेंसी वो आपके इंडियन आर्मी की वैकेंसी भरी जाएगी। जॉब लोकेशन आपकी जम्मू कश्मीर, ये जम्मू की भर्ती है और अगर आपको लगता है कि आप एलिजिबल है आप इसके लिए अप्लाई ज़रूर करें। जम्मू कश्मीर की ये भर्ती होगी। कब भर्ती होगी? 16 अगस्त 2019 इसकी लास्ट डेट है। भर्ती आपकी होगी ये जॉब लोकेशन जम्मू रहेगी। 8वीं पास 10वीं पास 12वीं पास आप हो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी पूरी जानकारी आपको उसमें बताई हुई है, आप इसको नोट कर सकते हैं। तो जो महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए वो ये है, 4 जुलाई 2019 को आज से 3 दिन पहले ये नोटिफिकेशन जारी की गई इंडियन आर्मी की जम्मू कश्मीर के लिए। और जम्मू में अगर आप भर्ती देना चाहते हैं तो 16 अगस्त 2019 इसकी लास्ट डेट है। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको वेबसाइट ओपन करनी है, आप वेबसाइट को नोट कर सकते हैं www.joinindianarmy.nic.in। ये जो है NIC, ये गवर्नमेंट वेबसाइट की एक नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर कहते हैं इसको, ये पहचान होती है सरकारी वेबसाइट की, NIC ज़्यादातर या GOV, ठीक है। तो ये सरकारी वेबसाइट होती है, बाकी जो होती है वो अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए, वो अपने निजी हितों के लिए वो बनाई जाती है। तो अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो joinindianarmy.nic.in की वेबसाइट पर जाएगा, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो भी आपके इंडियन आर्मी की है, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इंडियन आर्मी की जो भर्ती होने वाली है, बहुत सी वैकेंसी अभी निकली है। ये भी 4 तारीख को नोटिफिकेशन आई थी और इस पर हम आपको जानकारी दे रहे हैं। जॉब लोकेशन आपकी बताई हुई है पटना, सरान, वैशाली, सिवान, भोजपुर और गोपाल गाँव की ये भर्ती होगी। और इसमें अगर आपको अप्लाई करना है तो आप 17 अगस्त 2019 तक इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी 7 ये पोस्टें भरी जाएंगी, ठीक है। पर आपको पता है कि इंडियन आर्मी की ये नंबर ऑफ वैकेंसी नहीं होती इसमें, जिसमें आपकी डायरेक्ट भर्ती होती है, जो क्वालिफाई करेगा वो सिलेक्ट इसमें हो जाएगा। तो इंडियन आर्मी की ये भर्ती होगी और अगर आपको लगता है कि आप एलिजिबल है तो बिहार पटना की ये वैकेंसी है। आप कौन से डिस्ट्रिक्ट आपको बताए हुए इनके भर्ती ये होगी। लास्ट डेट आपकी 17/8/2019, तब तक आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंडियन आर्मी की अगली नोटिफिकेशन है हमारे सोल्डर्स पॉइंट फार्मा वैकेंसी इन इंडियन आर्मी रिक्रूटमेंट 2019। ये वैकेंसी भरी जाएंगी। इंडियन आर्मी हैज़ रिक्रूट अनाउंस्ड रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सोल्डर पॉइंट फार्मा। एलिजिबल कैंडिडेट कैन सबमिट देयर एप्लीकेशन बिफोर 12/8/2019, 12 अगस्त 2019 से पहले अक्रॉस इंडिया। इसमें आपको बताएगी प्लस टू पास, 10th पास आप हो तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 12/8/2019 इसकी लास्ट डेट है। आप joinindianarmy.nic पर ये नोटिफिकेशन देख सकते हैं। उसके बाद संबलपुर की ये वैकेंसी है, आर्मी की ये भर्ती आई है 11/8/2019 को। तो 4 जुलाई को ही ये नोटिफिकेशन जारी की गई, आज से 3 दिन पहले ये भर्ती आपकी होगी। अप्लाई आप 11/8/2019 तक इसके लिए कर सकते हैं। इसके जानकारी हम आपको डिटेल से बाद में दे देंगे। उसके बाद ये आपकी भर्ती हो रही है त्रिशोर में, ये आपकी भर्ती चलेगी इंडियन आर्मी की। सेम 4 तारीख को ही नोटिफिकेशन जारी की गई, 18 अगस्त 2019 तक आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकती है। जो एप्लीकेशन आपकी भर्ती कहाँ होगी पूरी जानकारी आपको बताई हुई इसमें, ठीक है। तो ये वैकेंसी भरी जा रही है अभी। तो जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है उसके लिए अगर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे साथ इस चैनल पर बने रह सकते हैं। और जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। तो इंडियन आर्मी रिक्रूटमेंट 2019 एज अनाउंस्ड रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फॉर द सोल्डर एलिजिबल कैंडिडेट, ये जो वैकेंसी ये आपकी भरी जाएंगी अक्रॉस इंडिया। इंडियन आर्मी जून 2019 की नोटिफिकेशन है। 8वीं पास से आप, 10th पास से, प्लस टू पास से आप इसके लिए अप्लाई कर सकती है। जॉब लोकेशन आपकी एनीवेयर इन इंडिया, अक्रॉस इंडिया आपको बताई हुई है। 2 अगस्त 2019 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी जानकारी के लिए आप हमारे साथ इस चैनल पर बनेगा, सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन को दबाइएगा। जो भी सवाल होता है आप उसको कमेंट में आप कर सकते हैं। वीडियो को आप लाइक जरूर किया करो, अपने दोस्तों को जरूर भेजा। आज के लिए इतना, नमस्कार, जय हिंद।